ASN24 पल पल की खबर। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को रोकने के लिए केंद्र व राज्य सरकार पूरा प्रयास कर रही है। भारत समेत पूरे विश्व में विकास कार्यों की रफ्तार थम सी गई है। राष्ट्र भर में आई इस आपदा के समय राहत कार्यों में अपना योगदान देने के लिए कलेक्टर रायगढ़ द्वारा अपील की गई थी कि जरूरतमंदों की मदद के लिए दानदाता इस विपदा की घड़ी में आगे आए। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व IAS चंद्रकांत वर्मा ने भी अपने अपील के तहत कहा कि दानवीरों की कमी नहीं है, मुक्त हस्त से इस संकट की घड़ी में जरूरतमंदों को मदद करे, इसलिए डोनेशन ऑन व्हील रथ शासन की ओर से संचालित की गई थी, जिसका शुभारंभ 11 अप्रैल को हुआ। यह रथ शहर के दानदाताओं के घर घर जाकर सामग्री लेता और उसे निर्धारित स्थान पर वितरित CMO संजय सिंह, सारंगढ़ TI आशीष वासनिक किया करते थे। आज उक्त डोनेशन ऑन व्हील के 50 दिन पूरे हो चुके हैं। इस स्वर्ण जयंती पर्व पर आज पुनः दानदाताओं ने अपनी ओर से दान दिया। डोनेशन ऑन व्हील के 50 दिवस पूरा किए जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों में वे दानदाता हैं जिन्होंने अपनी दान परंपरा को अछूट बनाए रखा है, जिसमें पूर्व विधायक पद्मा घनश्याम मनहर, विधायक उत्तरी गणपत जांगड़े अजीत सिंह छाबड़ा, इनकी भूमिका अहम रही, जो डोनेशन ऑन व्हील को 50 दिन तक किसी न किसी माध्यम से दान दिए। इसे 50 दिन पूरा करने के लिए दानदाताओं को धन्यवाद ज्ञापित किया गया कि इस संकट की घड़ी में उन्होंने दान देकर भारतीय संस्कृति व संस्कार का आदर्श प्रस्तुत किए हैं। डोनेशन ऑन व्हील के 50 दिन स्वर्ण जयंती का पूरा कराने में महत्वपूर्ण भूमिका स्थानीय स्तर पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी संजय सिंह और सारंगढ़ TI आशीष वासनिक को जाता है, जो संध्या गश्त के दरमियान चौक चौराहों पर जनता से अपील करते थे कि इस संकट की घड़ी में आप खुले हस्त से दान करें। महत्वपूर्ण भूमिका हमारे IAS SDM चंद्रकांत वर्मा की है, जिनके हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र हर दानदाताओं को मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा दिया गया। इनके साथ ही साथ तहसीलदार JR शतरंज, उप अभियंता तारकेश्वर नायक एवं डोनेशन ऑन व्हील से जुड़े हर अधिकारी और कर्मचारी को जाता है, जिनके अथक प्रयास और मेहनत से इस संकट की घड़ी में प्रवासी मजदूरों को, गरीब तबकों को सूखा राशन और गर्म भोजन प्राप्त हुआ। वे सभी अधिकारी कर्मचारी धन्यवाद के पात्र हैं। शहर के दानदाताओं के द्वारा डोनेशन ऑल व्हील में दी गई दान, जिसमें अजीत सिंह छाबड़ा, बोट हाउस के मालिक जिनके द्वारा 104 पैकेट पुलाव दिया गया, जिन्हें IAS अनुविभागीय अधिकारी राजस्व चंद्रकांत वर्मा के हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र मुख्य नगर पालिका अधिकारी संजय सिंह द्वारा प्रदान किया गया। उक्त गर्म नाश्ता मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा आश्रय स्थल जहां प्रवासी मजदूर रुके हुए हैं उन्हें प्रदान की गई। वहीं वे प्रवासी मजदूर जो क्वारंटाइन सेंटर के लिए बस से उनके गांव भेजे जा रहे हैं, हर दिन की तरह उन मजदूरों को गर्म नाश्ता और बिस्किट पैकेट, पानी पाउच देकर उन्हें विदा किया जा रहा है। अजीत सिंह जी, में आप कितने दिनों से रेगुलर, तो अभी 15 दिन हुआ है, इसके पहले 8 दिन जो है जो पोहा वगैरह बना के जो है वो चाय पोहा वगैरह जो उसको भेजते रहे 8 दिन तक पहले। अभी क्या कर दे रहे हैं? अभी समझो ये अपना चावल सब्जियां मिला के उसमें एक समझो कि खिचड़ी टाइप बना के सबको मिक्स करके 2-3 किस्म की सब्जियां, चावल बीच में पूरा अचार वगैरह जो है ये सब डाल के मतलब उसको कर रहे हैं। तो इसमें आपकी पूरी फैमिली काम कर रही है? पूरी फैमिली काम कर रही है इसमें, फैमिली तो है, क्योंकि हमारा तो समझो धर्म ही है कि भूखे को भोजन मिलना चाहिए, क्योंकि जो हम गुरु का दसवंध निकालते हैं, क्योंकि हमको आज्ञा है कि अपने जो कमाई का 10% जो है वो गुरु के गोलक में डालें। गरीब का मुँह जो है वो हम गुरु के गोलक मानते हैं। अगर ऐसा कोई हमारे पास में है कि जिसके पास खाने की तंगी है या और किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, तो हम उस राशि में से उसको डोनेट कर देते हैं, और अगर हमारे पास बचता है तो हम अच्छे जहाँ गुरुद्वार जहाँ पे कोई सामाजिक कार्य होता है तो उसमें जाके हम उसको डोनेट कर देते हैं, उसको दे देते हैं। आज 104 पैकेट गया है, कल 106 पकड़ गया था, ऐसे मतलब 4, 6, 8, 10 कभी 100, यानी 100 से ऊपर ही जाता है, नीचे नहीं। संचालित हो रही है तकरीबन 50
50 दिन से ऊपर जी जी, तो अभी जैसे कि प्रवासी मजदूर आ रहे हैं जी, तो डोनेशन एंड मिल जैसी जी नगरीय क्षेत्र में खासकर सारंगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में डोनेशन एंड मिल को लगभग 2 महीने संचालित कर रहे हैं, जिसमें स्थानीय जनसाधारण द्वारा लगातार प्रतिदिन इसमें डोनेशन किया जा रहा है, चाहे वो नाश्ते के रूप में या भोजन के रूप में पका पकाया भोजन भी दिया जा रहा है, जिससे सारंगढ़ नगरीय क्षेत्र में लगभग 8 से 9 हज़ार मजदूरों के प्रवास कर वापस आने की संभावना है। और ये जब भी नगरीय क्षेत्र में आते हैं तो डोनेशन ऑफ व्हील के माध्यम से इन्हें तुरंत भोजन प्रदान किया जाता है, और इसके लिए मैं यहाँ की सारंगढ़ की जो जनता है जो डोनेशन ऑफ व्हील के माध्यम से दान कर रहे हैं उनका मैं बहुत ही धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। KSN 24 न्यूज़ के लिए सारंगढ़ से शिवलाल खोटे की रिपोर्ट।